भी अच्छा बनाऊंगा मैं घर पे। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया। आपका दोस्त सोमेन घोष फिर प्रेजेंट हो गया। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज मैं दिवाली के लिए एक पतंग बना रहा हूं, और दिवाली के लिए जो पतंग बना रहा हूं वो इस तरह के प्लास्टिक के थैली से बना रहा हूं, क्योंकि ये प्लास्टिक की थैलियाँ तो अब मिलेंगी नहीं, ये बहुत जल्दी बैन होने जा रही है। और ये पुरानी थैली से मैंने एक पतंग बना लिया है ऑलरेडी। अभी मेरे को इन सारी कुर्सियों में से जितनी भी थैलियाँ लगी हुई हैं, आप दिखाइए कुर्सियाँ, दिखाइए ये सारी जो कुर्सियों पे थैलियाँ लगी हुई हैं, सारी खोल करके मैं इससे पतंग बना लूँगा। और देखिए सब चीज़ काम में आ जाती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्लास्टिक की बॉटल होती है जिसमें हम पानी पीते हैं, ये भी फेंकना पड़ता है, लेकिन इसको भी मैंने काम पे ले लिया है। आज मैंने जो पतंग बनाई है वो सब कुछ वेस्टेज चीज़ से बनाई है। इसके अंदर कोई भी चीज़ जो है मैंने खरीद करके नहीं बना रहा हूँ, इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें जो वेस्टेज है उससे बना रहा हूँ। देखिए ये जो प्लास्टिक की बॉटल है, यहाँ से मैंने सर्किट बनाया है और इसके अंदर जो है सर्किट को लगाया है। और आपको मैं बता दूं कि फ्रेंड्स, ये जो दिवाली की जो लड़ियाँ आती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, जो उन लड़ियों में से मैंने लाइट ली है, और लाइट लेकर के ये देखिए एलईडी लाइट लेकर के जो लाइट ख़राब हो जाती है उसको मैंने निकाल लिया, और निकाल करके ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो पतंग उड़ेगी बहुत शानदार दिखेगी। अभी दिन में तो आपको इतनी अच्छी नहीं लग रही है ये, क्योंकि ये जो पतंग बनी है ये प्लास्टिक की थैली से मैंने बनाया है, और ये थैली बहुत गंदा हो गया था और इसमें सिलवटें पड़ गई थी। आप देख सकते हैं कि सारा ये रिंकल्स रिंकल्स सा हो रहा है, सिलवटें पड़ गई थी। ये थैली जो सेकेंड हैंड थैली है, इस करके ये पतंग इतनी अच्छी नहीं बन पाई है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे को तो रात को उड़ाना है, रात को उड़ा करके देखेंगे कि कैसा लगता है, अभी तो दिन में इतना पता नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि इस पतंग में जो सबसे खास चीज़ है, इसका कमान और ठड्डा। अगर आप इस तरह की पतंग बना रहे हैं तो इसका कमान और ठड्डा बहुत मजबूत होना चाहिए। ये 4 फीट का जो है ठड्डा है, और ये 5 फीट का कमान इसमें लगा हुआ है, यानी 60 इंच बाई 48 इंच का है। और ये कमान और ठड्डा इतना मजबूत है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जबकि ये सर्किट का वजन काफ़ी है, इसने इस सर्किट को फिर भी ये उठा लेगा बहुत आसानी से। ये तो खैर रात को पता चलेगा, मैं थोड़ा सा दिन में भी इसको उड़ा करके देखूंगा किसी दिन, और आज रात को मैं इसको उड़ाने वाला हूँ। तो आप लोग रात को इस वीडियो को पूरा देखना, तब तक मेरे वीडियो का इंतज़ार करिए, मैं रात को इसको ज़रूर उड़ा करके दिखाऊँगा। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा मैंने इसको उड़ाया था और उतारा है। अभी इसके थोड़े से कन्ने में सेटिंग करनी है, कन्ने में सेटिंग करके फिर से इसको उड़ाता हूँ। और मेन इसको उड़ाऊँगा मैं रात में, क्योंकि दिन में उड़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दिन में तो आपको एलईडी वगैरह दिखेगा नहीं, सूर्य देवता की रोशनी के आगे किसी की रोशनी तो चल नहीं सकती है। तो मैं इसको रात को फिर उड़ाऊँगा, अभी मैं इसको कन्ना सेट करके एक बार फिर से करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस पतंग को उड़ा करके दिखाऊंगा। दिन में तो मैंने आपको पतंग को पूरा दिखाया था, आप लोगों ने पतंग को देखा, और दिन के टाइम में तो आपको क्लियर नज़र आ रहा था, लेकिन दिन के टाइम तो उड़ा के नहीं दिखा सकता था, क्योंकि कोई फ़ायदा भी नहीं था दिन के टाइम उड़ाने में, और इसलिए मैं अभी इसको रात को उड़ा करके दिखाता हूँ। तो दिन में मैंने आपको इसके सर्किट के बारे में सारा समझा दिया था कि ये पतंग कैसे बनाया गया है, और अब मैं इसको उड़ा करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल का नाम सोमेन घोष है। अब मैं इसको उड़ाता हूँ। वाओ, मून कितना खूबसूरत लग रहा है। मून म्यूजिक एंड काइट, ब्यूटीफुल, कितना अच्छा। देखिए बादलों में से बाहर निकलता हुआ मून, कितना खूबसूरत है। वाओ, इसमें अभी ये जो आप देख रहे हैं ये जलबूज हो रहा है, अभी इसको मैं स्टिल भी कर सकता हूँ, और मैं इसको कल फिर से दोबारा एक बार उड़ा करके दिखाऊंगा मैं। और अभी तो थोड़ा सा इसको उड़ाया मैंने, तो अभी आज हवा थोड़ा कम है।
थोड़ा सा इसको दूर ले जाता हूँ फ्रेंड्स। देखता हूँ दूर के साथ दिखते हैं। बता दूं कि थोड़ा थोड़ा बारिश भी आ रहा है और इसलिए अब ज्यादा देर नहीं उड़ा पाऊंगा मैं इसको उतार करके। कैसा लगा मेरा वीडियो फ्रेंड्स, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और मेरे चैनल का नाम आप लोगों को बताइए, सोमेन घोष जी यही नाम है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।